पैरालिसिस यानी लकवा होने के एक घंटे के अंदर होम्योपैथी दवा ले ली जाए तो दो दिन के अंदर मुश्किल से वो लकवा ठीक हो जाता है और दोबारा भी नहीं आता है। पहले हम समझते हैं पैरालिसिस यानी लकवे के कारण क्या है। तो ब्रेन में आर्टरीज या वेन के रप्चर होने मींस फट जाने की वजह से जो ब्लीडिंग होती है या तो उस वजह से लकवा आता है या फिर खून का थक्का जम जाए ब्रेन के अंदर, इस वजह से भी लकवा होने के चांसेस हैं। कभी कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी तरह की कोई चोट लगी, सिर पे चोट लगी या किसी तरह का मेंटल शॉक हुआ, उन केसेस में या तो आर्टरी या वेन रप्चर होती है, नसें फट जाती हैं या फिर खून के थक्के जमते हैं। इसके लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि ब्लीडिंग को भी रोकेगी, क्लॉटिंग भी हटाएगी मींस खून के थक्के को भी हटा देगी, ब्लीडिंग हो रही होगी, खून बह रहा होगा तो उसे रोककर पैरालिसिस को ठीक करने में हेल्पफुल है। इसकी जानकारी के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक घंटे के अंदर होम्योपैथी दवा दी जाए तो मुश्किल से दो दिन में रिजल्ट आ जाते हैं। और कौन कहता है होम्योपैथी फास्ट रिजल्ट्स नहीं देती। पैरालिसिस का एक क्योर्ड केस भी हमारा, जिसमें मुश्किल से मुश्किल एक दिन के अंदर पूरा पेशेंट ठीक हो गया, पूरा जो चेहरा टेढ़ा हो गया था, बेल्स पाल्सी हुआ था, वो ठीक हो गया है। तो चलिए, यदि आपको या आपके किसी परिचित को इस तरह की बीमारी है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में है। थैंक यू।